आई होप यू आर डन विद योर प्रिपरेशन, और अभी तक नहीं करी है तो यार बैठ जाओ, रात है तुम्हारे पास, कर सकते हो, कल आके सो जाना। आई वॉन्ट प्रेशराइज कि सो जाओ, अच्छे से करके जाना, बिकॉज लास्ट चांस होता है तुम्हारे पास पेपर के टाइम पे दिखाने का। अभी तक कितना आता था मैटर नहीं करता, आप एग्जाम शीट पे कितना लिख के आते हो वो मैटर करता है। एक बार लास्ट बार में तुम्हें विश यू लक करने आई हूँ, और एक बार तुम्हें बता देती हूँ लास्ट में क्या क्या टॉपिक्स करके जाना। यूनिट नंबर वन में यार कास्टिंग करके जाना, पैटर्न करके जाना, उसके बाद गेटिंग सिस्टम देख लेना और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज देख लेना, लाइक स्ट्रेंथ हो गई, मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, रफनेस हो गई, ये सब जो प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर डिफाइन आ रही होती है, कंपलसरी होती है, आती ही आती है। यूनिट नंबर टू में तुम कर सकते हो सबसे पहले अपना गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीसिटी लिया जाता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लेम्स आ जाता है, फिर नेक्स्ट करना अपना टिकमिक, उसके बाद वेल्डिंग डिफेक्ट्स, और उसके बाद सबमर्ज, इलेक्ट्रोस्लैग और रेजिस्टेंस पे एक बार नजर मार लेना, क्योंकि हो सकता है आ जाए, ठीक है ना, मैं गारंटी नहीं करती। हाँ, बट मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट सबसे पहले बताया, उसके बाद मिक्स करने को बोला है। यूनिट नंबर थ्री दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस और शीट मेटल वर्किंग। डिफॉर्मेशन प्रोसेस में तुम्हारा वही आ जाता है जो ऊपर का पार्ट है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नीचे जो शीट मेटल वर्किंग है उसमें तुम्हारा पियर्सिंग, बैंकिंग, पंचिंग, ये सब अच्छे से करके जाना, इनके ऊपर आती है, शियरिंग ऑपरेशन हो गया। यूनिट नंबर फोर दो पार्ट में दोबारा से डिवाइड हो जाती है तुम्हारी पाउडर मेटलर्जी, और नीचे तुम्हारा जो है दैट इज प्लास्टिक्स, पाउडर मेटलर्जी का एक स्टेट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो करके जाना, 12 नंबर में हो सकता है पूरा एक क्वेश्चन एक चीज को मिल जाए तुम्हें, या 10 नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में आ सकता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है, सिंटरिंग, ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्टिंग वगैरह जो पार्ट्स हैं अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो तुम्हारा नीचे आ गया प्लास्टिक, तो टाइप ऑफ प्लास्टिक कर सकते हो उसमें, प्लस में टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बाद तुम्हारा वो जो मोल्डिंग वगैरह है वो कर लेना। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो यूनिट नंबर थ्री में जो ऊपर वाला पार्ट है तुम्हारा डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस, उसमें टाइप ऑफ फॉर्जिंग, फॉर्जिंग ऑपरेशंस, फॉर्जिंग डिफेक्ट्स कर लेना। नेक्स्ट उसमें एक्सट्रूजन, उसके बाद हॉट कोल्ड वर्किंग कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो चीज़। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए, इन चीज़ों को पहले प्रेफरेंस रखना बिकॉज अब टाइम कम है, अच्छे से करके आना और मेरे को आगे बताना बिल्कुल कैसा गया, कितनी हेल्प हो पाई, ठीक है। विश यू लक, अच्छे से करके आना, नर्वस नहीं होना है, पहला एग्जाम है, अच्छे से करके आएंगे, फोड़ के आएंगे और मजा के आएंगे, ठीक है।